हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में आपके साथ ही इंडियन वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो आप एंड तक देखें। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सेटाफिल का मॉइस्चराइजर लिया है, ये ड्राई स्किन वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और मैं यहाँ पर जितने भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ सभी के लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे कलर बार का प्राइमर यूज किया है। प्राइमर लगाने से जो हमारा मेकअप होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, और जो हमारा बेस होता है वो जो फाउंडेशन हम लगाते हैं वो आसानी से स्प्रेड होता है, मतलब ब्लेंड होता है। उसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा करेक्टिंग कर रही है, तो ये जो शेड है वो है शेड नंबर 6, तो मैंने इसे कॉन्टोरिंग के लिए लिया था। इसके ऊपर लिखा हुआ भी है कि टॉफी, लेकिन ये शेड है मेरा पीच अंडरटोन में, तो इसलिए मैं करेक्टर का काम अच्छे से कर रहा है। अगर आपके थोड़े बहुत डार्क सर्कल है या फिर पिगमेंटेशन है तो ये अच्छे से काम करेगा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैंने इसे पहली बार यूज़ किया लेकिन इसकी ब्लेंडिंग मुझे अच्छी लगी, कवरेज भी अच्छा लगा मुझे। आप देख सकते हो मैंने अभी तक कोई फाउंडेशन नहीं लगाया। फिर मैंने यहाँ पे प्लाडियो का यह हाइलाइटर स्टिक लिया है, तो ये बिल्कुल भी चंकी नहीं है। एक अच्छा सा आपको अगर नेचुरल ग्लो चाहिए तो ये काफ़ी अच्छे से, अगर आप इसे अच्छे से ब्लेंड करते हैं तो ये आपको नेचुरल ग्लो देता है आपके फेस पे। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन यूज किया। इसमें जो मेरा शेड है वो है 310, तो मैं इसे बहुत थोड़ा थोड़ा लगा रही हूँ। अगर मुझे लगेगा और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं लगाऊंगी। आप देख सकते हो मैंने बहुत थोड़ा थोड़ा लगाया और इसी को अपने फेस पे ब्लेंड करूँगी। तो मैंने एक गीले ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड किया है। तो अगर आप फाउंडेशन ब्लेंडर से ब्लेंड कर रहे हैं तो उसे हल्का सा गीला कर ले, उसका जितना भी पानी होगा उसे निचोड़ ले अच्छे से, तो काफ़ी ईजी हो जाता है। आप चाहे तो ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं लेकिन मुझे ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छा लगता है, इसलिए ब्लेंडिंग जो होती है वो काफ़ी अच्छी आती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लैकमे का कंसीलर यूज किया है अपने अंडर आई एरिया पे, फोरहेड पे, नोज पे, जहाँ जहाँ मुझे हाइलाइटिंग चाहिए, और इसे भी मैं एक सेम ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लूँगी। और मैं अपने आईलिड पे भी लगा रही हूँ आई प्राइमर की तरह। फिर मैं यहाँ पे कॉन्टोरिंग कर रही क्रीम कॉन्टोरिंग, तो यहाँ पे मैंने मेकअप रेवोल्यूशन का ये फाउंडेशन स्टिक लिया है। इसमें जो मेरा शेड है वो है 15, तो इससे मैं अपने मतलब जहाँ जहाँ मुझे कॉन्टोरिंग करनी है मैं वहाँ वहाँ लगा लूँगी इसे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा भी फोरहेड भी किया, वैसे मैं फोरहेड कॉन्टोरिंग नहीं करती लेकिन मैंने थोड़ा सा फोरहेड पर भी लगाया है। तो ये फाउंडेशन स्टिक है वैसे तो, लेकिन ये डार्क शेड मैंने कॉन्टोरिंग के लिए ही लिया है, तो ये मुझे ना 50% डिस्काउंट पे मिला था फ्लिपकार्ट से, तो इसलिए मैंने ले लिया कि क्रीम कॉन्टोरिंग काफ़ी अच्छी हो जाएगी इससे। तो मैं सभी प्रोडक्ट के लिंक दूंगी, आपको जहाँ से अच्छा डिस्काउंट मिलता है आप वहाँ से ले सकते हो। फिर मैंने यहाँ पे एक लैकमे का ये लूज पाउडर यूज कर रही हूँ, इसे मैं थोड़ा थोड़ा लगा के हल्का सा बेकिंग कर रही हूँ अपने फेस को, बहुत थोड़ा सा। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप बेकिंग नहीं करें, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप बेकिंग करें, काफ़ी अच्छा रहेगा, आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। फिर मैं यहाँ पे अपने कॉन्टोर को सेट कर रही हूँ। उसके लिए मैंने नायका का, इसमें दो शेड मिलती है आपको, एक हाईलाइटर शेड एक कॉन्टोर से। फिर मैंने यहाँ पर मेकअप रेवोल्यूशन का या आई शेडो पैलेट लिया। सबसे पहले मैंने एक पिंक शेड लिया है, उसे मैं अपने क्रीज लाइन और हल्का सा अपने आउटर व्यू पर लगा रही हूँ, आप देख सकते हो, और हल्का सा अपने आउटर बी पे, बिल्कुल आउटर बी पे लगा रही हूँ मैं, उसे अच्छे से ब्लेंड करूँगी। फिर एक डार्क बर्गंडी पिंकी कलर है, कुछ ऐसा कलर है, मुझे कलर का नाम नहीं पता, उसे मैं लेके अपने आउटर बी पे और अपने क्रीज लाइन में लगा रही हूँ, सिर्फ सिर्फ अपने क्रीज लाइन में। फिर एक डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ, उसे भी मैं अपने क्रीज लाइन में लगा के और हल्का सा आउटर बी को डार्क कर रही हूँ, जो मैंने आउटर बी पे कलर लगाया उसे हल्का सा डार्क कर रही हूँ। फिर जो पिंक कलर मैंने लिया था उसे मैंने अपने लोअर लैश लाइन में भी लगाया है, और ये डार्क ग्रीन कलर है, इसे मैं अपने आईलिड पे लगा रही हूँ, तो ये मेरा बेस है ग्लिटर का। फिर मैंने यहाँ पे दो ग्लिटर लिए हैं, ये कैमियो के हैं और ये 50 रुपीज़ में मुझे मिल गए थे लोकल मार्केट से। आपको चाहे तो सिंगल कलर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो शेड लिया है, एक ग्रे एक गोल्डन,
तो जो कलर आपको अच्छा लगे, इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाते हैं। तो मैं लाइनर बिल्कुल अपने लैस लाइन के क्लोज लगा रही हूँ। और लाइनर के लिए मैंने यहाँ पे स्टे कॉर्की का लाइनर लिया है, फिर काजल के लिए मैंने लोरियर का काजल लिया है, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे डार्क ब्राउन शेड लिया है। ये डार्क ब्राउन शेड है तो इससे मैंने अपने आईब्रो को फिल किया है। तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत सारे प्रोडक्ट ले, अगर आप इस पैलेट को ले लेते हो तो इससे आप अपने आईब्रो को फिल कर सकते हो, कॉन्टोर कर सकते हो, ब्लश भी लगा सकते हो और हाइलाइटर शेड भी मिल जाता है इस आई शेडो पैलेट में। फिर मैं यहाँ पे ग्लैम ओम का ये ब्लश ले रही हूँ, फेसेस का है ये, और इसमें जो मेरा शेड है वो है हॉट पिंक। तो ये डार्क, एक डार्क पिंक कलर है। फिर मैंने यहाँ पे फॉल्सेस लगाए, मेरा आई मेकअप कंप्लीट नहीं हुआ था। और मस्कारा के लिए मैंने यहाँ पे लोरियर का पैराडाइज मस्कारा लिया है। फिर फेसेस कैनेडा के सेटिंग स्प्रे से मैंने अपने मेकअप को सेट किया है। फिर उसके बाद मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ, जो हाइलाइटर मैं यूज कर रही हूँ आज वो है मिलानी का। तो मैं अपने हाइलाइटिंग एरिया पे हाइलाइटर लगा लूँगी, तो ये काफ़ी नेचुरल ग्लो देता है आपके फेस को। ये भी सेट हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा हाइलाइटर। फिर अपने इनर कॉर्नर पे भी मैंने हाइलाइटर लगाया है। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे फोक केयर की लिपस्टिक लिया, इसे मैंने नायका से लिया था। इसमें जो मेरा शेड है वो है 06। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेरा आज का मेकअप लुक पसंद आया हो। पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप किसी तरह का मेकअप लुक देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा, आप ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।